नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। नो इंट्रो नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं टेक्साम कंपनी का जो सबसे बड़ा वैक्यूम क्लीनर है उसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूंगा। तो आज मैं लेके आया हूं टेक्साम कंपनी का सबसे बड़ा वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, जो ये रहा। तो ये 23 लीटर का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है और ये बहुत ही पावरफुल है। इसका जो सक्शन पावर है वो है 25 kPa का और ये 1800 वाट का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, जो आता है 1 ईयर के वारंटी के साथ और इसका प्राइस है सिर्फ 5,866 रुपीज। तो अगर आप अपने घर के लिए, दुकान के लिए, गैरेज के लिए या फिर ऑफिस के लिए या फिर कोई भी बिजनेस है वहां पे यूज करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल और वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है। तो अगर आपको ये वाला वैक्यूम क्लीनर लेना है तो इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर आपको वैक्यूम क्लीनर लेना है तो आप सिर्फ एक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर ही लीजिए, क्योंकि वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर से पानी भी साफ हो जाता है। मतलब वेट एरिया को भी आप क्लीन कर पाएंगे, ड्राई एरिया तो क्लीन कर पाएंगे ही, उसके अलावा इसमें ब्लोअर भी होता है जो बाकी के नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर्स पे नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर ही लेना है। और अगर आपका बजट कम है, अराउंड 3500 ऐसा है, तब भी आपको टेक्साम कंपनी का इससे लोअर मॉडल जो है TVC 10 वो भी मिल जाएगा। उससे ऊपर का मॉडल है TVC 20, तो आप वो भी ले सकते हैं। और उन दोनों का मैंने ऑलरेडी रिव्यू करके रखा है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं या फिर अभी ऊपर आ रहे आई बटन पे भी आप देख सकते हैं। तो आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं TVC 30 का और इसका बॉक्स पैकेजिंग ये है। तो चलिए अभी देखते हैं इसका बॉक्स पैकेजिंग। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसका बॉक्स बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसका मॉडल नेम है TVC 30। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कोर्ड का लेंथ कितना है, जो है 4.5 मीटर का, मतलब बहुत ही लंबा है। उसके बाद जो होस पाइप है उसका लेंथ है 1.5 मीटर का। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3-in-1 फंक्शन के साथ आता है। उसके बाद इस साइड में देखते हैं तो इस साइड में साथ में क्या क्या एक्सेसरीज मिलेंगे वो सब दिया हुआ है, जो आपको अभी मैं दिखाने ही वाला हूँ। और यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशंस लिखा हुआ है। तो चलिए अभी इसका करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये वाला हो गया इसका स्टेनलेस स्टील वाला एक्सटेंशन ट्यूब। ये लंबा भी हो जाता है, ये देखिए, इसको आप अपने मर्जी से लंबा छोटा ऐसे कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया एक्सटेंशन ट्यूब। उसके बाद ये वाला हो गया इसका वेट एंड ड्राई फ्लोर कम कारपेट ब्रश। तो उसके बाद वैक्यूम क्लीनर को ही निकालना पड़ेगा और बाकी जो एक्सेसरीज है वैक्यूम क्लीनर के अंदर है। तो ये वाला हो गया वैक्यूम क्लीनर, ब्लैक, रेड एंड क्रोम फिनिश पे है। इसका जो लुक है मुझे बहुत ही पसंद आया है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। तो ये वाला हो गया इसके सामने का हिस्सा और जो बाकी एक्सेसरीज है इसके अंदर है। चलिए वो सब निकाल लेते हैं पहले। तो ये वाला मेन यूनिट निकल चुका है, इसके अंदर ही मोटर वगैरह, फ्लोट वगैरह और हेपा फिल्टर वगैरह है, तो इसको भी देखेंगे बाद में। उसके बाद ये वाला हो गया इसका डस्ट बैग और ये देखिए, ये सब हो गया इसके एक्सेसरीज। ये वाला हो गया होस पाइप। उसके बाद ये दो हो गए इसके बड़े बड़े व्हील्स और ये दो हो गए छोटे छोटे व्हील्स, ये सामने रहेगा और बड़े बड़े व्हील्स पीछे रहेगा। उसके बाद ये वाला हो गया क्रेविस नोजल कोनों की साफ सफाई करने के लिए। उसके बाद ये वाला ब्रश वाला नोजल, इससे चिपके हुए धूल मिट्टी साफ कर सकते हैं। और आखिर में है यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। तो ये वाला देखिए, ये वाला हो गया 23 लीटर का प्योर स्टेनलेस स्टील का कंटेनर। इसके अंदर ही डस्ट वगैरह आके जमा होगा, तो यहाँ पे व्हील्स को लगाना पड़ेगा। ये जो दो बड़े व्हील्स है यहाँ पे लग जाएंगे और जो छोटे व्हील्स है यहाँ पे लग जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा कंटेनर है। तो ये सब हो गया बॉक्सी कंटेंट। तो चलिए अभी इन व्हील्स को इस कंटेनर पे फिट करते हैं। तो ये वाला जो छोटा व्हील है ये सामने जाएगा, इसको पुश करने से ये अंदर चला जाता है। तो एक व्हील लग चुका है, उसके बाद दूसरा वाला लगाएंगे, पुश करेंगे और अंदर चला जाएगा। दो व्हील चला गया है, उसके बाद ये जो बड़ा व्हील्स है इनको लगाएंगे। इनको लगाना भी एकदम आसान है, साइड पे यहाँ पे लगाना है और ये भी पुश करने से अंदर चला जाता है। तो एक चला गया है, उसके बाद दूसरे साइड का लगाएंगे। तो ये देखिए, दोनों व्हील लग चुके हैं, एक्चुअली चारों व्हील लग चुके हैं। तो अभी ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये 360 डिग्री ऐसे मूव हो सकता है, एनी डायरेक्शन आप इसको लेके जा सकते हैं। तो कंटेनर रेडी है, अभी इसके ऊपर आपको ये वाला जो क्लॉथ फिल्टर है इसको लगाना पड़ेगा, ऐसे सिंपली डाल देना है। उसके बाद ये जो मेन यूनिट है इसको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद साइड में लॉक है, इसको ऐसे लॉक किया जाता है, ऐसे करके नीचे कीजिए, लॉक हो गया। उसके बाद इसको ऐसे करके लॉक कीजिए, तो लॉक हो गया है। उसके बाद इसके सामने होस पाइप को लगाना है। तो ये वाला हो गया होस पाइप, सिंपली आपको इसको यहाँ पे डाल के थोड़ा सा घुमा लेना है, तो ये लॉक हो गया है। तो उसके बाद इसके सामने ये जो अटैचमेंट मिले थे, जो ब्रशेस मिले थे, इनको आप डायरेक्टली लगा के भी ऐसे साफ सफाई कर सकते हैं, या फिर ये जो क्रेविस नोजल मिला था इसको भी लगा के आप ऐसे क्लीन कर पाएंगे, लेकिन बैठे बैठे ही होगा। अगर आप खड़ा होकर साफ सफाई करना चाहते हैं तो साथ में ये जो एक्सटेंशन ट्यूब मिला था इसको लगाना पड़ेगा,
ये भी लंबा हो जाता है, तो इसको ऐसा लगाइए पहले। उसके बाद इसके सामने ये जो फ्लोर ब्रश कारपेट ब्रश है इसको भी लगा सकते हैं। तो देखिए लगा दिया है, देखिए अभी कितना लंबा हो गया है। अभी आप खड़ा होकर ऐसे साफ सफाई कर पाएंगे, और अगर आप इसको हाथ पे उठा लेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये सीलिंग तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे आप सीलिंग का साफ सफाई कर सकते हैं या फिर फैन का भी साफ सफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस होस पाइप को यहाँ से खोल के इसके ऊपर जो है वहां पे अगर आप लगा देंगे तो ये ब्लोअर बन जाएगा। तो अभी अगर वैक्यूम क्लीनर को आप ऑन करेंगे तो इसके सामने से हवा आएगा और ये ब्लोअर का काम करेगा। तो इसमें जो मेन चीज है सब इसके ऊपर ही है, और ऑन ऑफ का स्विच सामने है। उसके बाद ऊपर में एक हैंडल है, इससे आप इसको उठा पाएंगे। सामने ब्रांडिंग किया हुआ है टेक्सम। उसके बाद ये वाला सक्शन इनपुट है, यहीं से ही कचरा वगैरह अंदर जाता है। उसके बाद ये वाला हो गया इसका पावर कोर्ड जो काफी लंबा है। अगर आप इसको कार के अंदर साफ सफाई करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो कार के पास आपको इस प्लग को लगाने के लिए एक स्विच बोर्ड चाहिए होगा। उसके बाद ये हो गया इसका लॉक मैकेनिज्म, इसको ऊपर करके आपको खोलना पड़ेगा और ऐसे लगा के ऐसे करने से लॉक हो जाएगा, दोनों साइड पे है। उसके बाद पीछे देखिए ये वाला हो गया पीछे का एरिया। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे इसके एक्सेसरीज को ऐसे रखने के लिए दिया गया है, ऐसे आप रख सकते हैं। और जो कोर्ड है वो भी यहाँ पे आ जाएगा और इसको साइड पे रख सकते हैं। तो वो सब हो गया, अभी बात करते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसका बिल्ड क्वालिटी का क्या कहना, मतलब आप देख सकते हैं ये प्योर स्टेनलेस स्टील का है, बहुत ही मजबूत है। इससे जो लोअर मॉडल था उसमें ये वाला एक्सटेंशन ट्यूब प्लास्टिक का मिलता था, लेकिन ये मेटल का है, प्योर स्टेनलेस स्टील का है। उसके बाद इसका जो टैंक है कंटेनर है वो भी प्योर स्टेनलेस स्टील का है, तो इसमें कोई जंग वगैरह नहीं लगेगा, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो ब्रशेस है ये देखिए इसमें भी मेटल है नीचे, और ये भी स्टेनलेस स्टील का है। यूजुअली ये प्लास्टिक का रहता है लेकिन इसमें ये मेटल का है। उसके बाद ऊपर में प्लास्टिक का है लेकिन मजबूत प्लास्टिक है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है। और इसमें भी व्हील लगा हुआ है, ये देखिए इसमें दो व्हील है, तो ये फ्लोर पे कारपेट पे आसानी से ऐसे चल सकता है। उसके बाद ऊपर में एक बटन है, इसको आप अपने पैर से इसको प्रेस कर सकते हैं, और प्रेस करने से इसका सामने का जो ब्रश है वो ऊपर आ जाता है, ये देखिए। तो इसको ऊपर करके आप और भी अच्छा से साफ सफाई कर पाएंगे, और नीचे करके आप वेट क्लीनिंग कर पाएंगे। यहाँ पे रबर भी लगा हुआ है। तो ये वाला हो गया फ्लोर क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, वेट एंड ड्राई ब्रश। उसके बाद ये वाला जो ब्रश है ये देखिए ये फ्लेक्सिबल है, ये ऐसे घूम सकता है। और उसके बाद इसके सामने भी ब्रशेस लगा हुआ है, और ये प्लास्टिक का बिल्ड है लेकिन अच्छा क्वालिटी का है। उसके बाद जो क्रेविस नोजल है ये भी अच्छा क्वालिटी का है। उसके बाद ये जो होस पाइप है ये भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होस पाइप है, मतलब ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये सालों साल टिकेगा। उसके बाद ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसका जो ऊपर का बॉडी है वो भी प्लास्टिक का है, लेकिन प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। जो व्हील है वो भी प्लास्टिक का है लेकिन मजबूती है। नीचे का जो बेस है वो भी प्लास्टिक का है लेकिन अच्छा क्वालिटी का है। तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगा, सब कुछ अच्छा ही है। वैसे इसमें 1 ईयर का वारंटी तो है ही। तो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, तो चलिए अभी इसका पावर कितना है वो टेस्ट करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है चावल, तो इन चावल को मैं यहाँ पे रखूंगा। उसके बाद ये जो वैक्यूम क्लीनर है इससे मैं खींच के इसके अंदर लूंगा। तो मैंने इतना चावल लिया है, तो अभी इसको मैं खींचूंगा, लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए अंदर पे अभी कुछ नहीं है, तो अभी जो चावल है इसके अंदर आ जाएंगे। तो अभी इसको लॉक करना है, लॉक हो गया। अभी चलिए इसको करते हैं ऑन। तो देखा आपने जो चावल है यहाँ से इसके अंदर चला गया है। चलिए इसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए चावल इसके अंदर चले गए हैं, दोबारा यहाँ पे डाल देंगे तो ये देखिए। तो देखा आपने ये जो वैक्यूम क्लीनर है कितना पावरफुल है, ये 25 KPA का है। तो चलिए अभी फ्लोर साफ करते हैं, कारपेट साफ करते हैं। तो ये देखिए फ्लोर पे कितना गंदगी फैला हुआ है, वैसे मैंने ही फैलाया है और साफ भी मैं ही करूँगा। तो चलिए अभी करेंगे कारपेट क्लीनिंग। उसके बाद करेंगे कॉर्नर क्लीनिंग इसके क्रेविस नोजल से, जो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो चलिए तो देखा आपने अभी बाकी हिस्सों की बारी। अभी सोफा क्लीन करने के लिए ये वाला ब्रश नोजल का यूज करेंगे। mm-hmm.
उसके बाद कोनों के लिए क्रेविस नोजल का यूज करेंगे। तो साफ सफाई हो चुका है, चलिए अभी देखते हैं अंदर पे कितना कचरा जमा हुआ है। तो ये देखिए, ये सब हो गया कचरा जो जमा हुआ है, तो इसको अभी डस्टबिन में फेंकना है। लेकिन अभी फेंकने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो कंटेनर है बहुत ही बड़ा है, तो कई दिनों तक आप साफ सफाई कर सकते हैं, उसके बाद कचरे को फेंकना है। और ये वाला हो गया इसका क्लॉथ फिल्टर, ये भी गंदा हो गया है, इसको भी आप बाद में धो सकते हैं, उसके बाद दोबारा इसमें लगा के यूज कर पाएंगे। तो अभी करेंगे वेट क्लीनिंग, उसके लिए ये डिटर्जेंट मिला हुआ पानी है, इसको यहाँ पे फेंकेंगे, फेंक दिया है और भी फेंकेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसके अंदर पे वो क्लॉथ फिल्टर नहीं है, क्लॉथ फिल्टर को मैंने निकाल दिया है। उसके बाद इस पे ये जो स्पॉन्ज फिल्टर लगा हुआ है इसको भी निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए, इसके अंदर एक फ्लोट है जो ऊपर नीचे होता है, और जब इस कंटेनर पे पानी फुल हो जाएगा तब ये फ्लोट ऊपर आ जाएगा और ये मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा या फिर इसमें से आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें पानी फुल हो गया है। तो ऐसे ही आपको यूज करना है। तो चलिए अभी इसको बंद कर देते हैं, उसके बाद वेट क्लीनिंग करेंगे। तो यहाँ पे और भी पानी फेंकूंगा मैं, इतना फेंका है। तो चलिए अभी करते हैं मशीन को ऑन। तो देखा आपने, इससे आप वेट क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी जो बचा हुआ पानी है उसको भी खींच लेते हैं। अगर नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर होगा तो खराब हो जाएगा, लेकिन ये खराब नहीं होगा। तो जो पानी है इसके अंदर चला गया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। तो ये देखिए, तो अभी इसको फेंक सकते हैं। तो देखा आपने, ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसमें से आप वेट एरिया भी साफ कर सकते हैं इजीली। तो अभी आपको इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में सब कुछ पता चल गया है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला वैक्यूम क्लीनर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं भी आपको पर्सनली ये वाला वैक्यूम क्लीनर आपको रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आपको ये वाला वैक्यूम क्लीनर लेना है तो इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और ये आता है 1 ईयर के वारंटी के साथ, तो आपको कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। और इसका प्राइस है 5,866 रुपीज, और ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है। तो आज ही इसको ऑर्डर कीजिए। तो अगर आपको आज का प्रोडक्ट काम का लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के यूजफुल प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।